Hey guys, I am Saksham. Welcome back to my channel. So guys, after a very long time, I am shooting this video because guys, बीच में मेरे पेपर आ गए थे तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया. So guys, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ पेपर क्राफ्ट से वॉल हैंगिंग फॉर दिस दिवाली. So without wasting any moment, let's start the video. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये लिया है ओल्ड वेस्ट कार्डबोर्ड का डिब्बा. सो गाइज, आपके पास भी अगर कोई भी वेस्ट कार्डबोर्ड का डिब्बा हो तो उसे यूज़ करना. सो गाइज, मैंने इसको दो हिस्सों में काट लिया है जिस पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एक लोटस. और गाइज, इस लोटस की मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेटल्स दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि हमें थोड़ा लोटस 3D में बनाना है. तो इसीलिए मैं इसके 5 पेटल्स इस राइट साइड पे बना रहा हूँ और 5 ही लेफ्ट साइड पे बना रहा हूँ. और गाइस, हमने इंस्टाग्राम पे हिट कर लिए हैं 100 फॉलोअर्स. और गाइस, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया सो मस्ट डू फॉलो, क्योंकि गाइस मैं वहाँ पर पोल वगैरह पूछता रहता हूँ. उसके बाद मैं इसे क्विकली कट कर लूँगा. एंड गाइस, कट करने के बाद हमें ऐसे ही 4 लोटसेस बनाने हैं. और गाइस, 4 लोटस बनाने के बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक और कार्डबोर्ड का पीस. उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ राउंड शेप सर्कल यूजिंग माय बिग सेलो टेप. सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसे जल्दी से कट कर लूँगा. कट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है अपना लोटस जिसको मैं कर रहा हूँ पिंक एक्रेलिक कलर से पेंट. और गाइस, अगर आपके पास एक्रेलिक कलर्स नहीं हैं तो आप पिंक स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास एक्रेलिक कलर्स थे सो मैंने सोचा कि एक्रेलिक कलर से ही कर लेते हैं. और गाइस, हमें इसी तरह अपने चारों लोटस पे पिंक कलर करना है. नाउ गाइज, जो हमने गोल राउंड सर्कल्स काटे थे उसके ऊपर मैं चढ़ाने लगा हूँ गोल्डन पेपर. गोल्डन पेपर को मैं पहले कट करूँगा, फिर उसके ऊपर ग्लू लगाकर अपने राउंड सर्कल को पेस्ट कर दूँगा. आफ्टर मेकिंग द राउंड शेप सर्कल्स, उसके बाद मैं अपने लोटस पे ब्लैक आउटलाइन कर रहा हूँ जिससे ये और 3D लुक देगा. ऐसे ही हमें अपने रेस्ट ऑफ 3 लोटसेस पे भी ऐसे ही हमें करना है. उसके बाद गाइस, मैंने लिया है अपना जो हमने राउंड शेप बनाया था गोल्डन कलर का, उसके ऊपर मैं लिखूँगा शुभ और दूसरे के ऊपर लिखूँगा लाभ. सो गाइस, हम बनाएंगे हैंगिंग शुभ लाभ का. उसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पे लिया है एक मोटा थ्रेड. आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं. अगर आपके पास थ्रेड नहीं है तो आप मॉली भी ले सकते हैं. उसके बाद गाइस, मैं इसको अरेंज करूँगा.
अरेंज करने के बाद हमें उसे उसकी बैक साइड पे सेलो टेप के साथ उसे हमें स्टिक करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम वे से करना है आपको। Now guys, this is our final piece. Looks like, guys, it's beautiful. It's looking such a beautiful. Guys, आप इसे जब hang करेंगे ये और भी beautiful लगेगा. Like and subscribe.